गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज इसकी सर्विस कराने जा रहा हूँ, बस अब निकल रहा हूँ, ना हुआ तो आगे। भाई तुम ये देखो, लग रहा है सही? जल्दी से कमेंट करो, बताओ कैसे कैसे सही लग रहा है। तो भाई अभी फटाफट से पहले इसकी बाइक क्या सर्विस करा के ले आऊँ, फिर वहाँ से आके नहा के फिर आज यार नोएडा जाना है, तो नोएडा के लिए निकलेंगे। नोएडा क्यों जाना है वो आप देख लेना, क्यों जा रहे हैं, बहुत कुछ दिखेगा आज तो इस व्लॉग में। तो भाई आगे सर्विस सेंटर पे ना, और पीछे सर्विस सेंटर पार्किंग में देख रहे हैं। ये सर्विस सेंटर, ये तो शोरूम है, ये सर्विस सेंटर है इधर इनका नीचे। तो नीचे दे देते पहले बाइक ना फटाफट। तो भाई सर्विस सेंटर में नीचे आ गया था, बाइक सर्विस के लिए लगा भी दी है, पहला ही नंबर लग गया, कोई था नहीं। ये तो बाइक है, इस पर काम चल रहा, थोड़ा सा कुछ ये चेक कराने हैं, तो चेक करने के बाद बात नहीं, अपनी बाइक का नंबर लग जाएगा फिर ना। तो अभी देखते हैं कितनी देर में स्टार्ट करते हैं, बस अभी खड़ी तो कर दी स्टैंड पर उन्होंने। तो भाई मोबाइल चेंज हो रहा है, इसको निकाल लें सर्विस में, इधर से फिल्टर निकाल देंगे, देखते क्या करेंगे, बाकी खड़ी तो कर। तो भाई ये सर्विस सेंटर इनका पहले ना उस साइड था जिधर मैं पहले चला गया था ना, जिधर मैं बता रहा था कि मैं गलत उसमें सर्विस सेंटर चला, तो पहले सर्विस सेंटर उधर ही था, तो इसलिए मैं उधर चला गया था। उधर तो काफ़ी स्पेस भी था और सारे सामान भी मिल जाया करता था, और सर्विस भी हुआ करती थी टाइम पर। इस बार तो एक तो स्पेस भी नहीं, उनके पास सामान भी नहीं है, और पीछे ही देखो ऐसे इन्होंने कुछ बनाया हुआ, मेरी बात ही खड़ी है, बाकी लड़के भी नहीं इनके पास, दो ही लड़के हैं यहाँ पर। इसका जो दिल्ली रोड पे शिफ्ट हुआ सर्विस सेंटर, वो तो ठीक है, वहीं से मैंने बाइक ली थी, वहीं से इसको काम करवाया था। तो उधर तो सर्विस ठीक हो जाती, टाइम पर हो गई थी, इंश्योरेंस भी वहीं से लिया था, इसका लास्ट टाइम जो लिया था। यहाँ तो दिक्कत है थोड़ी, अगली बार देखते हैं वहीं कराएंगे, यहाँ पर समय लग रहा था उन्होंने। भाई सर्विस तो हो गई थी मेरी, भाई इसमें पिंचर हो रहा है, वो लगवा रहा हूँ, पता ही निकल रहा हूँ, तीन पिंचर निकले भाई इसमें। पिंचर पहले हुआ तो कमा वहाँ पर चला रखी थी ना, तो इस वजह से इसमें और भी पिंचर हो गए, पिंचर तो लग गए सारे, तो अब घर ही निकल रहा हूँ। घर आने के बाद ये सारा सामान यहाँ से ऊपर से सभी नीचे उतार दिया, तो ये सारा सामान जा रहा है ग्रेटर नोएडा भाई के साथ, भाई वही शिफ्ट हो रहा है, तो सारा सामान कर दे बाहर। सामान तब भी घर में पूरा भरा हुआ है, इधर भी सब कुछ है। चलो ये एक्स्ट्रा स्टॉप था हमारा जब जा रहा है ग्रेटर नोएडा, अब मुझे भी इनके साथ ही जाना है, तो मैं भी निकलूँगा, भाई जाएगा, भाभी यहीं रहेंगी, भाभी जाएंगी कुछ दिन बाद, तो फटाफट से निकल रहे जी। कैसा लग रहा है, विदाई हो रही है, ये सगाई का समान जा रहा है ना, ये सगाई का समान जा रहा है तुम्हारा, शादी का दिन, जिस दिन शादी हुई थी इनकी उस दिन से शादी का समान जा रहा, अब कुछ दिन बाद इनकी विदाई होगी, एक हफ्ते बाद रहोगी तुम। मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आने का, मुझे क्यों रोना है, तुम रो क्यों रही हो, ऐसे मत रो, सब देख रहे हैं। रोटी बना के देती हूं, पराठे बना के देती हूं। मैं पराठे अपना बनाता हूँ यार, झूठ तो मत बोलो, सुबह का ब्रेकफास्ट तुम अपना करता हूँ। माँ हमारी मम्मी देखो कितनी खुश हो रही है, ओह माय गॉड, रोने वाली मेरी माँ, सगाई का सामान अपनी बेटी को सब सगाई का सामान दे रही है, ये भी रोई, अरे भैया देखो रोई, चल बैठ उस पर। तो भैया अब हम निकल गए थे अपने छोटे हाथी में, तो आज हमारे साथ जा रहे भैया, ये भैया आपका नाम क्या है, बिट्टू, ये तो मेरा नाम ही है, दोनों बिट्टू बिट्टू भाई जा रहे हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ से, घंटाघर निकलेंगे, घंटाघर से बाईपास, फिर मेरे दिल्ली वाले हाईवे पर चढ़ जाएंगे, तो अब निकल। अभी आ गए भाई भूमिया के पुल पे, आज तो पूरे दिन ऐसे निकल गया, नहाने का भी टाइम नहीं मिला आज तो, इस साल में तो ऐसा कई बार हो गया, इस बार तो मैं नहाया ही नहीं, पर आके नहा लूँगा, रात को वापस आ जाऊँगा भैया के साथ ही गाड़ी से इसी दिन, और भैया से भी देखेंगे, भैया के सफ़र के बारे में पूछेंगे क्या कहाँ कहाँ है, वो मिलेंगे अभी तक।
ये जाम लगा हुआ है भाई, बड़ा गंदा जाम है यहाँ तो। यहाँ तो हर दिन ही जाम रहता है भैया। दोपहर में तो बहुत ही गंदा जाम रहता है यहाँ पे, पुलिस टाइम हो या फिर जिस टाइम पे स्टार्ट। जरा जल्दी से पहले से क्रॉस करते जाओ फिर दादा आपको नज़ारे बाकी हाईवे के। तो अभी आगे तो भाई बागपत अड्डे, बागपत अड्डे पे भी भाई जाम ही है, आगे तक जाम है जो पूरा जाम लग रहा है। भैया अपना नेपाल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। भैया गए कब थे नेपाल? नेपाल कब गए थे? अभी परसों। वाह, परसों कल ही आया हूँ। अच्छा कल आए? अच्छा अच्छा, तो वहाँ क्या माल लेकर गए थे घूमने? अच्छा, बागपत अड्डे वाले से भी निकल के आ गए भाई, टीसी नगर वाले चौराहे तक जाम ही है। जाम दिखा, पीछे भी जाम, आगे भी जाम। कैसे निकला जा, उधर की साइड तो चल रही है, इधर की ही नहीं चल रही बस। जल्दी से निकलते पहले यहाँ से ना जाम से। भाई ये जानते हैं तो रहेगा, इस क्रॉसिंग को क्रॉस करने के चक्कर में पीछे तक जाम लगेगा, पुलिस वाले भी खड़े होंगे तो क्रॉस कराने के लिए, तो फिर ट्रैफिक इतना है कि जाम लग रहा है। खुल तो गया जाम यहाँ पे, यहाँ भी पुलिस वाले वरना टंग गई, वरना के ऊपर घोड़ा टंग गया। अच्छा घोड़ा नहीं टंग गया। तो भाई अभी बस ये लेने आए, इसीलिए रुके थे, बाईपास पे चढ़ गए ना 68 पे। टिप्स नंबर ले लिए, गाड़ी वो बड़ी सामने छोटा थी। अभी देख लो एक बार, हमारा सामान पीछे बंधा हुआ है सारा, बस अभी ये NH-58 है। चलो भाई NH-58 से अब चढ़ रहे हैं, अब दिल्ली हाईवे पकड़ेंगे इससे, मेट दिल्ली वाला। अब आ गए भाई दिल्ली वाले हाईवे पे, दिल्ली मेट दिल्ली वाले हाईवे पे। सनसेट अभी हो रहा है, कल भी देखा था सनसेट और आज भी देख लो भाई, ये देखो कितना प्यारा हो रहा है। और ये अभी हम आ गए यहाँ पर, बड़ा टर्न आ गया ना, से लेफ्ट हो जाएंगे लोग, हमें आगे वाले से जाना है, पलवल वाले से जाना है ना। मैं तो पलवल वाले से अंदर से नोएडा के, अच्छा दूसरा है। तो भाई नोएडा तो पहुंच गए, अब हरी चौक से होते हुए ग्रेटर नोएडा जाना है, गौर यमुना सिटी, उसी रूट को फॉलो करेंगे। यहीं से 70 किलोमीटर दिखा रहा है, देखते कितनी देर लगेगी, अभी तो काफ़ी टाइम लग जा रहा है, 2 घंटे मेरे हिसाब से, 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। एक तो भाई नोएडा में गौर सिटी है और हमें जाना है गौर, गौर यमुना सिटी। तो गौर सिटी तो देखो ये ऊपर, ऊपर देखो ऊपर, ये गौर सिटी है। तो हमें यहाँ नहीं जाना, हमें जाना गौर यमुना सिटी। तो वो है ग्रेटर नोएडा में, तो ग्रेटर नोएडा परी चौक को क्रेस करते हुए यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर, 1 घंटा लगेगा भैया अभी तो, 1 घंटा लग जाएगा। ये वो बिल्डिंग है जहाँ मैं रुका हुआ था उस टाइम, फरवरी में आया था मेरा दोस्त, सुपर डे, तो इसमें रुका हुआ था।
बड़ी चौक आ गए थे अपना बड़ी चौक। तो भाई अभी हम गो सिटी के आसपास ही है पर पता नहीं कहाँ पर है, परेशान हो रखे हैं, चक्कर काटते काटते हो गया। भाई को फोन कर, हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, अभी बात करूँगा जरा यार, फोन में चार्जिंग नहीं है सौरभ, यानी बाहर हूँ मैं, अभी बाहर हूँ यार, बिल्कुल ही बात करने का समय नहीं है, 1% ही फोन चार्जिंग है कि बंद हो जाएगा फोन ना। अब मैं भाई का वेट कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। हाँ तो भाई मैं हूँ अभी बाहर और वो ग्रेट लोकेशन के आसपास ही हूँ, पर एक तो अंधेरा हो गया ना यहाँ, देखो चार तो बिल्कुल अंधेरा और पता नहीं लग रहा कहाँ पर है कहाँ नहीं। तो अभी मैंने भाई को लोकेशन भेज दिया, देखते हैं कहाँ पहुँचा, ढूंढ पाएगा नहीं पाएगा, टक्कर हो गई, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा भाई, डर वाला माहौल बन रहा है यहाँ पे। ये लाइट आ तो रही है, पता नहीं, देखते हैं किसकी है, कहाँ है कहाँ नहीं, चलो जो भी है देखते हैं पता करते हैं। ये पैसे तो भाई आ गए थे, सारा सामान भी चढ़ा दिया, यहाँ से कुछ मैं दिखा देता हूँ, व्यू ये ऐसा कुछ है व्यू भी, अभी तो मैं जल्दी मूँ बाद में दिखूँगा। ये हमारी किचन है और यहाँ से एक व्यू ये दिखेगा, एक रूम ये है, इधर वॉशरूम, बालकनी का व्यू, चलो यहाँ से देख लो सब, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आएगा भाई, दूसरी बालकनी हो रही, भाई भी वहाँ खड़ा है। अभी तो यहाँ कमी लोग हैं, और एक रूम ये वाला रूम है, ये सबसे बड़ी बालकनी, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा। तो फटाफट वापस मेरिट के लिए निकल रहा हूँ, वापस मेरिट के लिए निकलना, नीचे हाथी वाला खड़ा है, छोटा हाथी वाला, तब चल रहे, लेज मान लो पहले फटाफट। तो भाई अब यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए थे, अब जा रहे हैं घर वापस ना, ये राइट साइड में इधर की तरफ ही गौर सिटी ना, अब तो पीछे रह गए, तो अब जा रहे हैं घर। इस ब्लॉग को बस यहीं एंड कर रहे हैं, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, गुड नाइट, टेक केयर, और है नहीं भाई।